हे गाइस, दिस इज राज कदम हियर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो मैं आज के वीडियो में आपको ऐसी टॉप 5 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने बाइसेप को ग्रो कर सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू सीरीज जिसमें मैं आपको ऐसी टॉप एक्सरसाइजेस बताऊंगा हर एक मसल ग्रुप की, हर एक मसल पार्ट की, जिससे आपको मसल गेन करने में आसानी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Our bicep is made up of two muscles, long head and the short head. तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले इट्स बारबेल कर्ल्स, एंड इसमें हम दोनों हेड्स को टारगेट करते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप इजी बार भी यूज कर सकते हैं या फिर स्ट्रेट बार भी यूज कर सकते हैं। एंड इस एक्सरसाइज में आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना इजी है, सो आपको वेट ट्रैक करने में, रेप्स ट्रैक करने में आसानी होगी। सेकेंड एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू इज सीटेड इंक्लाइन डम्बेल कर्ल्स। इसमें आपको एक बेंच पे बैठना है एंड यू नीड टू डम्बल्स जिससे आपको बाइसेप कर्ल्स करने हैं, जैसे आपको वीडियो में दिख रहे हैं। इट्स डिफिकल्ट टू चीट इन दिस एक्सरसाइज बिकॉज यू आर अनेबल टू यूज मोशन, एंड इस एक्सरसाइज में माइंड मसल कनेक्शन करने में आसानी होती है। एंड आपको सेट्स और रिपीटेशन वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो वीडियो एंड तक देखना। मूविंग टू द थर्ड एक्सरसाइज, एंड थर्ड एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी प्रीचर कर्ल्स। सो एज दिस इज अ मशीन एक्सरसाइज, इसमें आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना आसान है एंड इसमें फॉर्म में मिस्टेक्स भी बहुत कम होते हैं। सो दिस एक्सरसाइज इज गुड फॉर बिगिनर जो अभी अभी नए जिम में आ रहे हैं। फोर्थ एक्सरसाइज जो हम करने वाले दैट्स गोइंग टू बी हैमर कर्ल्स। इसमें आपको सिर्फ दो डम्बल चाहिए। इसमें न्यूट्रल ग्रिप होने के कारण आपको वेट ज्यादा जा सकता है, बट डू नॉट निगलेक्ट योर फॉर्म। आपको फॉर्म अच्छी रख के ही इस एक्सरसाइज को करना है। And the last exercise is going to be machine barbell curls. इस एक्सरसाइज में आपको नॉर्मल बारबेल कर्ल्स के जैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, बट लिफ्ट द वेट टू द टॉप एंड उसके बाद आपको स्लोली नीचे आना है। एंड नीचे आते वक्त फील द पंप, जो भी आपको बर्निंग सेंसेशन होता है अपने मसल्स में, उसे फील करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉप 5 एक्सरसाइजेस जो मैं खुद परफॉर्म करता हूँ, एंड इसी एक्सरसाइज से मेरे बाइसेप इतने ग्रो हुए। सो ट्राई इंक्लूडिंग दिस एक्सरसाइजेस इन योर वर्कआउट, सो यू कैन फॉलो दिस 5 एक्सरसाइजेस एज एन वर्कआउट। इससे आपका पूरा वर्कआउट हो जाएगा। आप ये एक्सरसाइजेस आपके वर्कआउट में इंक्लूड करके देखो एंड इसका रिजल्ट मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। सो मूविंग अहेड टू द रिपीटेशंस एंड द सेट्स। तो आपको इस 5 एक्सरसाइज के 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं एंड आपकी रेप रेंज रहेगी फ्रॉम 10 to 15, एंड जो आपका लास्ट सेट रहेगा हर एक्सरसाइज का, उसमें आपको फेल्योर हिट करना है। एंड इस सारे एक्सरसाइज में आपको वेट ऊपर जल्दी लेके आना है और नीचे जाते वक्त ट्राई टू रेजिस्ट द वेट, ट्राई टू होल्ड द वेट। नीचे आते वक्त स्लोली उसको लेके आना है जिससे कि आपके मसल ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर आप सिर्फ ऐसे ऐसे फास्ट रेप्स लगाओगे देन यू आर नॉट गोइंग टू सी द रिजल्ट। सो स्लो रेप्स परफॉर्म करो, कंट्रोल्ड रेप्स परफॉर्म करो, जिससे कि आपका मसल बहुत अच्छे से ग्रो होगा। एंड मेरे जैसे नेचुरल लिफ्टर्स को आई रिकमेंड यू टू ट्रेन योर बाइसेप एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। बीइंग नेचुरल, हमें हर एक मसल ग्रुप एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक ट्रेन करना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू ट्रेन बाइसेप 2 times 2। सो बाइसेप को भी आप वीक में 2 बार ट्रेन करो अच्छे रिजल्ट्स के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आई मेक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट लाइक ब्लॉग्स, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्दी रेसिपी वीडियोस एक्सेट्रा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट, सब्सक्राइब करके जाना एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।